जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल अकेडमी में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भाई आर्मी के अंदर जो MES की भर्ती आई है उसको लेकर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है जो भी बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, और आर्मी के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसियां CRPF BSF लाखों वैकेंसियां आने वाली हैं। ये 2 से 3 महीने आपके पास है, अगर आपने इन 2-3 महीनों में अच्छी तैयारी कर ली तो आप कहीं ना कहीं आपकी नौकरी फिक्स है, आप कहीं ना कहीं बिल्कुल सेट हो जाओगे। लेकिन आपको ये 2 से 3 महीने पढ़ाई को देने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं MES भर्ती की, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंसियां हैं, परमानेंट है या अग्निवीर के थ्रू 4 साल के लिए भर्ती होंगे, ये सारी की सारी छोटी छोटी बातें के अंदर हम सारी की सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो भी बच्चा एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, चाहे आर्मी हो, CRPF हो, BSF हो, पुलिस एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, वो हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। एडमिशन स्टार्ट है भाई, एडमिशन स्टार्ट है। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, नौकरी लेने का जुनून है, तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 7056026222, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर जो MES की भर्ती है टोटल वैकेंसियां कितनी है। भाई टोटल वैकेंसियां है 41,822, टोटल वैकेंसियां है 41,000 प्लस, इतनी ज्यादा वैकेंसियां है। अगर बात करें पेपर, सबसे पहले क्या होगा, यहां पर रिटन टेस्ट होगा, सबसे पहले पेपर होगा, फिजिकल पहले नहीं होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि पहले दौड़ की तैयारी करें, नहीं, पहले आपको पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, पेपर पास होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या है, सिलेबस को ध्यान से देखिएगा भाई। सिलेबस रीजनिंग के हैं 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जीके साइंस के हैं, मैथ के हैं 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के हैं 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी कि टोटल पेपर आपका होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होगा, और 0.25 यानी कि 1/4 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग। अगर आप 4 गलत करोगे तो 1 आपका जो सही होगा वो भी चला जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है जो पेपर में आने वाला है, और ये टोटल वैकेंसियां है। तब बात आती है भी उम्र क्या है जी, उम्र है भाई 18 से 25 साल। तो जो बच्चे ओवर एज हो चुके थे आर्मी को लेकर, उनके लिए सबसे सुनहरा मौका, ये सबसे सुनहरा मौका है, और ये परमानेंट भर्ती है भाई। ये अग्निवीर के जैसे 4 साल के लिए नहीं है, परमानेंट है, और एज क्या होगी 18 से 25 साल। इसके अंदर भी छूट है, अगर किसी ओबीसी कैटेगरी से है उसको 3 साल की छूट, अगर एससी कैटेगरी से है तो उसको 5 साल की छूट, जनरल 25 साल, ओबीसी 28 साल, और एससी कैंडिडेट के लिए 30 साल की एज लिमिट है। तो यहां पर इससे अच्छी वैकेंसी नहीं आ सकती आप सभी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने 10th पास वाला फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है भाई। 10th पास वाला MTS में, ट्रेड्समैन में, इनमें फॉर्म भर सकता है। जो MES के थ्रू भर्ती होगी MTS और ट्रेड्समैन, 41,000 में से लगभग 18,000 वैकेंसियां इन्हीं की हैं जो 10वीं बेस पे होंगी, जो 10वीं बेस पे होंगी, बाकी प्लस टू बेस पे हैं, लेकिन 10th बेस्ड क्या है आपकी MTS और ट्रेड्समैन। अब इनमें से MTS के अंदर ऐसा हो सकता है कि फिजिकल ना हो, MTS के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपका फिजिकल ना हो, सिर्फ पेपर पेपर हो, मेडिकल हो, कि आपका फिजिकल टेस्ट ना हो, लेकिन ट्रेड्समैन के अंदर कंफर्म है फिजिकल होगा ही होगा। अब बात ये आती है, ओवरऑल सब रिजल्ट ये निकलता है कि इंपॉर्टेंट है आपका पेपर, इंपॉर्टेंट है आपका पेपर। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, 3 महीने तैयारी करनी है सही से, जी जान लगाकर तैयारी करनी है। अगर 3 महीने आप सिर्फ पढ़ाई को देते हो तो आर्मी, MES, CRPF, BSF बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, और इतनी गारंटी होगी आप किसी ना किसी में तो बिल्कुल सिलेक्ट हो जाओगे, इसी में हो जाओगे अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे। और एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, एडमिशन स्टार्ट है, सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जी जान से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन
सब का सब पूरी कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी, वो जिम्मेवारी हमारी है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब बात करें अप्लाई कब से करना है, भाई अप्लाई करने के लिए, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी हो सकता है कि अगस्त के महीने में कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाए कि अप्लाई डेट क्या होगी और एग्जाम कब होगा। ये सारी की सारी जानकारी मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट रहता है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं कमेंट। कोई भी आपको कोई भी किसी प्रकार की अपडेट चाहिए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आपको कोई भी अपडेट होगी वो बता दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, नमस्कार।